एक सरोवर के किनारे एक सारस पक्षी का जोड़ा अपने दो बच्चों के साथ रहता था। दोनों अपने बच्चों का बारी बारी से ध्यान रखते थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजर रही थी। एक दिन दोनों बच्चे अपनी माँ सारस के साथ पानी में तैर रहे थे। उनमें होड़ लगी हुई थी। दोनों बच्चे तैरते हुए माँ से आगे निकलना चाहते थे। माँ जानबूझकर पीछे रह जाती थी। दोनों बच्चे आगे निकल गए और अपनी जीत की खुशी मनाने लगे। उसी समय एक शिकारी ने उन पर हमला किया और तीनों को कैद कर लिया। माँ सारस और बच्चे अपने बचाव के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। शिकारी तीनों को लेकर जाने लगा, तब नर सारस बच्चों का पिता सबको बचाने के लिए सामने आ गया। वो उड़कर शिकारी पर हमला करने लगा। शिकारी भी नर सारस पर आक्रमण करने लगा। दोनों में भयंकर युद्ध चलने लगा। शिकारी ने सारस को पूरी तरह घायल करके एक गड्ढे में फेंक दिया। नर सारस पूरी तरह घायल होकर गड्ढे में फंस गया। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया लुट गई और वो बेचारा पूरी तरह से लाचार हो गया। शिकारी को तीन पक्षी मिल गए थे, इसलिए उसने घायल सारस की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे इस बात का भी आभास था कि नर सारस को ले जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। शिकारी दोनों बच्चों और मादा सारस को लेकर वहां से चला गया और नर सारस गड्ढे में पड़ा हुआ मदद की गुहार लगाता रहा। उसकी मदद करने कोई नहीं आया। उसके अंदर उड़ने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। एक चील उड़ता हुआ गड्ढे के पास आकर बैठ गया और सारस को ध्यान से देखने लगा। अरे सारस, गड्ढे में क्या कर रहे हो? मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। देख नहीं रहे हो शरीर की दुर्दशा हो गई है? मेरी मदद का इंतजाम करो, यहाँ मेरा दम घोट रहा है। तुम्हारी मदद? ना बाबा ना, तुम्हें निकालने के चक्कर में मैं भी अटक जाऊंगा। मैं तो चला, तुम यहीं भजन करो और पड़े रहो। चील चला गया और सारस असहाय पड़ा रहा। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि अकेले कैसे जिएगा। इसी बीच एक तोता आ गया। उसने सारस को देखा तो दया आ गई। सारस भाई, मैं तो छोटा पक्षी हूँ। मुझे दुख है कि इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, तुम भी करो। मैं हाथी की तलाश में जंगल में जा रहा हूँ। वो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन सबसे बड़े भगवान हैं। सारस ऊपर वाले को याद करने लगा और उसी समय भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। तेज बरसात होने लगी। आसपास का पानी तेजी के साथ गड्ढे में भरने लगा। पानी भरने के साथ साथ सारस भी ऊपर आने लगा। अंततः पूरा गड्ढा भर गया और सारस बाहर निकल आया। दिन बीतने लगा। सारस का जख्म भरता गया और वो स्वस्थ हो गया, लेकिन उसके मन का जख्म भर नहीं पाया। वो चारों तरफ पागलों की तरह घूमता रहा। उसे हर बच्चे में अपना बच्चा नजर आता था। उसने एक दिन भालू के बच्चे को देखा तो समझ गया कि उसे बहुत भूख लगी है। उसने सरोवर से लाकर कुछ मछलियाँ बच्चे को खिलाई और बच्चा खेलने लगा। भालू को ये बात बहुत पसंद आई। भालू की दोस्ती सारस से हो गई। एक दिन तोते ने आकर सारस को बताया कि उसने उसकी पत्नी सारस और बच्चों को शिकारी के पिंजरे में कैद देखा है। वो उसे वहाँ ले जा सकता है। सारस के मन में आशा की किरण फूट गई। वो भालू को लेकर तोते की दिशा निर्देश पर चल पड़ा। भालू, सारस और तोता जब पिंजरे के पास पहुँचे तो मादा सारस और बच्चे आशा भरी नजरों से उन्हें देखने लगे। नर सारस भी उन्हें बचाने की सोचने लगा। भालू आगे बढ़ा और उसने ताकत लगाकर ताले को तोड़ दिया। मादा सारस और बच्चे बाहर आ गए। शिकारी दौड़ा तो भालू उससे लड़ गया। इधर भालू के इशारे से सारस अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। भालू ने शिकारी को मारकर नीचे गिरा दिया और जंगल की तरफ भाग चला। सारस अपनी पत्नी और बच्चों को पाकर फूला नहीं समा रहा था। वो भालू और तोते के गुण गा रहा था। एक सरोवर के किनारे एक सारस का जोड़ा रहता था। उन दोनों नर और मादा सारस में बड़ा प्यार था। वे सरोवर के आसपास ही रहते थे।
और सरोवर की मछलियाँ खाकर अपना जीवन बिता रहे थे। उनका एक मित्र नेवला भी था जो पास में ही रहता था। एक बार मादा सारस ने दो अंडे दिए। वो जब पानी में चली जाती तब नर सारस अंडों या बच्चों की रखवाली करता। कुछ दिनों में अंडे में से बच्चे निकल आए। एक सांप की नजर उन बच्चों पर थी। वो सांप मौके की तलाश में रहता था और सारस के बच्चों को खाने की कोशिश करता रहता था। सांप के सामने एक ही समस्या थी कि नेवला सारस का दोस्त था और वही मुसीबत खड़ी कर सकता था। एक दिन नेवला कहीं बाहर गया हुआ था। सांप ने मौका देखा और अपने बिल से निकलकर सारस के घोंसले के पास आ गया। सांप को देखकर नर सारस सतर्क हो गया। सांप अकेले उस सारस को डराने लगा। सारस भी कहां पीछे हटने वाला था। जब सांप उसकी तरफ वार करना चाहता तब वो बचते हुए उसके फन पर चोंच मार देता। सांप पीछे चला जाता। सांप का हर प्रयास विफल हो रहा था। सारस हर कीमत पर अपने बच्चों की रक्षा कर रहा था। सारस ने अपनी सहायता के लिए नेवले को पुकारा लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि नेवला आसपास कहीं नहीं था। सारस ने पुनः प्रयास किया। नेवला भाई कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ, इस सांप से मेरे बच्चों की रक्षा करो। नेवला तो नहीं आया लेकिन सारस की आवाज मादा सारस के कानों तक पहुंच गई। वो पानी में से तेजी से बाहर निकले और उड़कर अपने घोंसले के पास पहुंची। उसने नर सारस और सांप की लड़ाई देखी तो आगे बढ़ी। इसी बीच एक नागिन आ गई और उसने मादा सारस पर आक्रमण कर दिया। उधर नर सारस नाग से मुकाबला कर रहा था और इधर नागिन से मादा सारस का मुकाबला शुरू हो गया। पेड़ पर बैठे तोते ने इन चारों की लड़ाई देखी तो उसका माथा ठनक गया। नाग नागिन यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ए तोते, तू अपनी टेंटे बंद कर, नहीं तो तेरा भी टेटुआ दबा दूंगा। तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे, अभी तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर तोता वहाँ से उड़कर जंगल में चला गया। दोनों भयंकर नाग नागिन सारस जोड़े के लिए मुसीबत बने हुए थे। दोनों सारस भी उनसे बखूबी मुकाबला कर रहे थे लेकिन जहरीले नाग नागिन के जहर का भय उन्हें सता रहा था। नाग नागिन का एक ही सही बार उनकी जान ले सकता था। वे अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। वह बड़ी सतर्कता से लड़ रहे थे। उसी समय नर सारस हताश दिखाई देने लगा। उसकी ताकत कमजोर पड़ रही थी। पीछे नहीं हटना है, हमें इनका मुकाबला करके इन्हें भगाना है। अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर बचाना है। हिम्मत मत हारना, हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। ऐसा लगने लगा था कि नाग और नागिन दोनों मिलकर सारस दंपति को परास्त कर देंगे। उसी समय एक और नाग आ गया। उस नई मुसीबत को देखकर सारस दंपति भय से कांप उठे। वो नाग जैसे ही सारस दंपति की तरफ आगे बढ़ा उसी समय उस पर वार हो गया। वो घबरा गया और उसने देखा तीन नेवले वहां पहुंच गए हैं। तोते द्वारा सूचना दिए जाने पर सारस का मित्र नेवला और दो साथियों को साथ लेकर वहां पहुंच चुका था। उन तीनों ने नाग और नागिन पर वार करना शुरू कर दिया। तीनों नाग नागिन पर जैसे वज्र प्रहार होने लगा। तुम लोग मेरे सीधे साधे दोस्त सारस के बच्चों पर आक्रमण करने आए थे, अब अपनी जान की खैर मनाओ। मैं कुछ समय के लिए अपने ससुराल क्या चला गया, तुम लोग यहाँ तक पहुँचाए। तीनों नेवलों ने मिलकर सांपों की बुरी दुर्गति कर दी। शेर को सवा शेर मिल गया था। नाग नागिन पीछे हटते हुए चले गए। एक नाग का प्राणांत हो गया और दूसरे नाग और नागिन भाग गए। सारस दंपति और उसके बच्चे सुरक्षित थे। नेवला भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी और बच्चों की रक्षा कर ली। अरे ये दोनों मेरे भी प्यारे भतीजे हैं। अब मैं तुम सबसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। इस तरह शेर को सवा शेर मिल ही गया।